बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सैरिश मुख्तार फ्रॉम गुजरांवाला कॉलेज ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फार्मास्यूटिक्स 3 हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी में टॉपिक्स हैं हमारे पास आज हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की डेफिनेशन है, हॉस्पिटल फार्मेसी की डेफिनेशन है, उसके एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास, हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल और उसके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं वो हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, हम क्लासिफिकेशन को कितनी बेस पे क्लासिफाई करते हैं, तो हम वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स। जनरली जो हॉस्पिटल है वो कंसिस्ट होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे, ठीक है। हॉस्पिटल खुद क्या होता है, हॉस्पिटल की डेफिनेशन है, हॉस्पिटल इज़ अ हेल्थ केयर यूनिट विच इनकॉर्पोरेट्स अ कम्बिनेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड साइंटिफिक इक्विपमेंट। एक हेल्थ केयर यूनिट है, सेहत का ये इदारा है जहाँ पर कम्बिनेशन होता है स्पेशलाइज्ड साइंटिफिक इक्विपमेंट्स का, औजारों का, साइंटिफिक होते हैं और स्पेशलाइज्ड होते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज होती हैं एंड फंक्शनिंग थ्रू ट्रेंड एंड सर्टिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। और उन साइंटिफिक इक्विपमेंट्स को, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स को कौन इस्तेमाल करता है, कौन फंक्शनिंग करता है उनकी, ट्रेंड जो कि ट्रेन होते हैं इसके मुतालिक, सर्टिफाइड होते हैं जो कि अपने प्रोफेशन में उनके पास सर्टिफिकेशन होती है कि वो डॉक्टरेट की डिग्री है उनके पास, हेल्थ के प्रोफेशनल्स होते हैं वो, ठीक है, वर्किंग एज अ टीम, एक टीम के तौर पर वो काम कर रहे होते हैं हॉस्पिटल में। और किस मकसद के लिए वो काम करते हैं, फॉर द कॉमन पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विसेज टू द पॉपुलेशन, आम आवाम को जो पॉपुलेशन है उनको क्या प्रोवाइड करे वो मेडिकल सर्विसेज एक हॉस्पिटल में, तो इसको हम कहते हैं ये हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल क्या है, एक हेल्थ केयर यूनिट है जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड साइंटिफिक इक्विपमेंट्स होते हैं और उनको कौन फंक्शन करता है इन इक्विपमेंट्स को, एक ट्रेंड और सर्टिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो कि किस तरह से काम करता है, टीम के तौर पर काम करता है और उसका मकसद क्या होता है ये काम करने का, वो प्रोवाइड करे मेडिकल सर्विसेज टू द पॉपुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है हॉस्पिटल फार्मेसी। अब हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है, हॉस्पिटल फार्मेसी जो है हॉस्पिटल के साथ ही अटैच होती है, या तो इंडोर होती है या आउटडोर होती है। हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ आ डिपार्टमेंट और सर्विस इन अ हॉस्पिटल, ये एक डिपार्टमेंट है या हम इसे सर्विस कह सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द सप्लाई ऑफ मेडिकेशंस टू हॉस्पिटल वार्ड्स, जो जिसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी क्या जिम्मेदारी है कि वो सप्लाई करेगी मेडिकेशंस को, मेडिसिंस को टू हॉस्पिटल वार्ड्स में। अब हॉस्पिटल के अंदर डिफरेंट वार्ड्स होते हैं, कार्डियो वार्ड है, पीडियाट्रिक्स वार्ड है हमारे पास गायनी वार्ड है, तो डिफरेंट वार्ड्स में जितनी मेडिसिन सप्लाई करनी है वो किसका काम है, एक हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट का काम है कि हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट से वो मेडिसिन को सप्लाई करें इन डिफरेंट वार्ड्स में, एज वेल एज एम्बुलेटरी पेशेंट्स। एम्बुलेटरी पेशेंट्स कौन से होते हैं, जो कि हम सर्व करते हैं पेशेंट्स को, हु आर एबल टू वॉक एंड हु कैन लीव आफ्टर द ट्रीटमेंट, वो पेशेंट्स जो कि चलने फिरने के काबिल होते हैं और आफ्टर सर्जरी और इंजरी के बाद, मीन्स हम उनको कहते हैं कि जी हाँ ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया अब आप जा सकते हैं, मीन्स हम उनको एडमिट नहीं करते ओवरनाइट के लिए, हम उनका ट्रीटमेंट करके हम उन्हें कहते हैं ठीक है आप एक घंटे बाद, दो घंटे बाद डिस्चार्ज हो जाएं, उनको हम कहते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट्स। एम्बुलेटरी पेशेंट्स आप कह सकते हैं सर्विंग पेशेंट्स हु आर एबल टू वॉक एंड हु कैन लीव आफ्टर द ट्रीटमेंट। द डिपार्टमेंट इज़ हेडेड बाई प्रोफेशनली कम्पिटेंट। अब ये जो प्रोफेशन है हमारे पास, डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल फार्मेसी, इसको कौन, इसका जो हेड होता है वो सरबराह कौन होता है, जिसको जो है कर रहा होता है वो प्रोफेशनली कम्पिटेंट होना चाहिए। प्रोफेशनली कम्पिटेंट मीन्स जो कि इसके अंदर कैपेबिलिटी हो टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ विद स्किल ऑफ एन एक्सेप्टेबल क्वालिटी, कि जो उसका काम है उसके मुतालिक उसके अंदर ऐसी खसूसियात हों, ऐसी उसके अंदर स्किल्स हों कि वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म कर सके। लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट मीन्स कि वो
लीगल तरीके पे पढ़ाओ, उसके पास अपनी डिग्री हो, अपना सर्टिफिकेट हो, तो लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हो, किसी तरह से दो नंबरी करके वो ना आया हो, वो डायरेक्टली सुपरवाइज एंड इंश्योर्स द करेक्ट डिस्पेंसिंग, जो कि डायरेक्टली सुपरवाइज करता है इन सारी फार्मेसी को, मेडिसिन्स को, और इंश्योर करता है, यकीन करवाता है द करेक्ट डिस्पेंसिंग, जो हम डिस्पेंस कर रहे हैं मेडिकेशन को वो जो है करेक्ट है। अब डिस्पेंसिंग क्या होती है? गिविंग मेडिकेशन टू मेडिसिन्स टू अ पेशेंट ऑन बेसिस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जो प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास आती है वो पढ़ कर हम उसके मुताबिक उसको मेडिसिन दे देते हैं, तो उस इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्पेंसिंग। कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग क्या होती है? कंपाउंडिंग होती है इज़ द क्रिएशन ऑफ पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फिट टू द यूनिक नीड ऑफ अ पेशेंट। कंपाउंडिंग जो होती है ये वो कम होती है कि हमने एक पेशेंट को उसकी जो नीड है, उसके अंदर जो कमी है जिस चीज़ की, वो हमने प्रिपेयर करनी होती है, वो हमने फार्मेसी में रहकर प्रिपेयर करनी होती है, एक पार्टिकुलर एक खास किस्म के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ अ पेशेंट। उसी टाइम पर हम लोग मोटर एंड पेस्टल डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके उनको मिक्सिंग करके कंबाइन करके एक चीज़ तैयार करते हैं, कंपाउंड करते हैं, कोई भी ड्रग बनाते हैं और उसे हम पेशेंट को दे देते हैं, या फिर आप कंपाउंडिंग को कह सकते हैं कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर ड्रग्स, टू और मोर ड्रग्स का मिक्सचर को हम उसको उसी टाइम पे बनाकर और कंपाउंड कर देते हैं पेशेंट को। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकेशंस टू इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट, और हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है मेडिकेशन को कहाँ पर? इन पेशेंट्स कौन से होते हैं जो कि स्टे करते हैं हॉस्पिटल में ओवरनाइट के लिए, रात के लिए, या फिर सेवरल डेज़ के लिए, या वीक्स के लिए, या एक साल दो साल के लिए, वो होते हैं इन पेशेंट जिनको हम एडमिट कर लेते हैं। आउट पेशेंट्स कौन से होते हैं जिसको हम ओवरनाइट के लिए या बहुत ज़्यादा दिनों के लिए, बहुत ज़्यादा हफ्तों के लिए नहीं रखते, एडमिट नहीं करते, वो होते हैं आउट पेशेंट्स। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, अब एम्स क्या हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के? नंबर वन तो ये है कि हमने प्रोवाइड करनी है क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है, जो भी चीज़ हमने मैन्युफैक्चर्ड असेंबल्ड एंड परचेज की है उसकी हमने क्वालिटी को एश्योर करवाना है कि जो भी हमने चीज़ मैन्युफैक्चर्ड की है, असेंबल की है, असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना, परचेज जो हमने खरीदी है उसको हमने क्वालिटी को एश्योर करवाना है कि इसकी क्वालिटी ओके है। टू परचेज एंड सप्लाई ड्रग्स, हमने परचेज कर ली और उसको हमने सप्लाई करनी है ड्रग्स को, ये एम्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं। मेंटेन करना पेशेंट्स मेडिकेशन प्रोफाइल, जो एक बार पेशेंट आया है उसके आपने प्रोफाइल बनाई है कि उसको क्या डिजीज़ हैं, उसके अंदर आपने उसको पूरी प्रोफाइल में लिखा कि ये इसको मर्ज हैं, डायग्नोसिस हैं, तो आप सेकंड बार भी वो आएगा दोबारा से आप उसको तशखीस करेंगे, वो सारा कुछ लिखेंगे वहाँ पर, तो वो जो मेडिकेशन प्रोफाइल है वो एक फ़ाइल बनती जाएगी, पाइल अप होता जाएगा, एक पेज, दो पेज, तीन पेज, तो उस मेंटेन करना पेशेंट की मेडिकेशन प्रोफाइल को। नंबर फोर, मेंटेन प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स, जो एक बार उसने प्रिस्क्रिप्शन लिखवाई है या किसी और डॉक्टर के पास गया है वो उसकी प्रिस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड भी उस फाइल में लगवाना चाहिए, तो ये भी काम है कि मेंटेन करना प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स, क्योंकि अगर हम प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड जो है उसको मेंटेन नहीं करते, मे बी जो वो पहली डॉक्टर की मेडिसिन ले रहा था, अब हमें तो नहीं पता वो कौन सी मेडिसिन ले रहा था, उसने कितनी डोज दी थी, कितने दिन के लिए दी थी, तो जब तक प्रीवियस हिस्ट्री डॉक्टर नहीं देखेगा तब तक वो नेक्स्ट मेडिसिन आपको अच्छे से रेफर नहीं कर सकेगा कि क्या पिछले वाली मेडिसिन में कमी थी या वो सूट नहीं की, क्या मसला था, तो प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड का रखना बहुत ज़रूरी है। प्रोवाइड ड्रग इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स, ड्रग इंफॉर्मेशन के बारे में बताना, ठीक है, एंड ड्रग थेरेपी के बारे में किसको? टू डॉक्टर्स, नर्सिस, मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड हाउस स्टाफ को ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन देना कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि ये किस लिए है, किस डिज़ीज़ के लिए है, और ड्रग थेरेपी क्या होती है, ड्रग थेरेपी में इंडिकेशन आ जाती है उस डिज़ीज़ की, एफिकेसी आ जाती है मेडिसिन की, सेफ्टी और कंप्लायंस, ये हमारे साथ कंप्लायंस भी है, ये नहीं नॉन कंप्लायंस तो नहीं है ये पेशेंट के साथ कि अपना रिजल्ट भी दे रही है कि नहीं। कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल आर ड्रग डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना तमाम ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स को और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को। ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स कौन से होते हैं? रूट्स ऑफ डिलीवरी आ जाते हैं इनमें, डिलीवरी व्हीकल्स आ जाते हैं जो कि मेडिसिन को, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में मदद देते हैं, जैसे कार्गो है हमारे पास, हमारे पास रूट्स ऑफ डिलीवरी में आ जाते हैं। मेडिकेशन को हम जो है डिफरेंट तरीक़ों से देते हैं, स्वेलो करके इंट्रावीनसली देते हैं हम इसको, एब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन
ठीक है। तो ये इसके आगे ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कि हम किससे किस तरह से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं व्हीकल्स यूज़ करके। टू सुपरवाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन, इसकी एक ड्यूटी यही भी ऑब्जेक्टिव ये भी है, एम भी है, सुपरवाइज करना एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियंस की। नेक्स्ट है हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल और उसकी ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैज़ डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, हर हॉस्पिटल का अपना जो है तरीकाकार होता है, अपनी मैनेजमेंट होती है, अपने उसूल होते हैं, ठीक है। इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होता है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हु इज़ अपॉइंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक MS जो है कौन अपॉइंट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जो कि मैनेजेस करता है पूरे के पूरे हॉस्पिटल को। मिलिट्री हॉस्पिटल में मिलिट्री आर्मी के हॉस्पिटल्स होते हैं, इज मैनेज बाय कमांडिंग ऑफिसर, इसको मैनेज करता है एक कमांडिंग ऑफिसर। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है ना तो मिलिट्री का रोल है, ना ही हमारे पास जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रोल है। प्राइवेट जो है एक जिसकी ऑनरशिप है वो ही इसको रन कर रहा होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड गवर्निंग बॉडी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल हॉस्पिटल एक्टिविटीज, जो उसका ऑनर होगा जो वो हायर करेगा हॉस्पिटल के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए बंदा, वो उसकी सारी की सारी जितनी भी हॉस्पिटल एक्टिविटीज़ हैं उसको मैनेज करेगा। हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास एडमिन आ जाता है, फाइनेंस आ जाता है, फार्मेसी आ जाती है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस और IT टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है। डायरेक्टर है, मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ में एक्टिव स्टाफ भी होता है जिसमें फिजिशियंस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स, अब हमने हॉस्पिटल को कितने में क्लासिफाई किया है ये हम देखते हैं। हॉस्पिटल्स में बी क्लासिफाइड इन नंबर ऑफ वेज, हमने इसको बहुत सारे जो है ना नंबर ऑफ वेज में इसको हमने डिवाइड किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है। अ हॉस्पिटल मे फॉल इनटू मोर देन वन ग्रुप, हॉस्पिटल जो है एक से ज़्यादा ग्रुप का भी बना हुआ होता है। हॉस्पिटल्स यूजली आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, वो कह रहा है कि हॉस्पिटल जो है ना वो मुख्तलिफ होता है फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, ठीक है, जो दूसरी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनसे मुख्तलिफ होता है, कैसे, बाय देयर एबिलिटी टू एडमिट एंड केयर फॉर इन पेशेंट्स, क्योंकि इसमें सलाहियत होती है कि ये पेशेंट को एडमिट करता है और हिफाजत करता है, उसकी केयर करता है फॉर इन पेशेंट्स, और इन पेशेंट्स कौन से, जो कि ओवरनाइट के लिए हॉस्पिटल में स्टे करते हैं फॉर सेवरल डेज, फॉर सेवरल वीक्स, फॉर 1 or 2 ईयर या फिर टिल डेथ, ठीक है। तो हॉस्पिटल इसलिए मुख्तलिफ है मेडिकल फैसिलिटीज क्योंकि ये इन पेशेंट्स को एडमिट करता है, उनकी केयर करता है, वाइल द अदर्स ऑफन आर डिस्क्राइब्ड एज क्लिनिक, लेकिन जो दूसरे हैं वो उनको हम क्या कहते हैं, क्लिनिक्स कहते हैं। क्लिनिक्स में क्या होता है, आउट पेशेंट्स आते हैं, वो मेडिसिन लेते हैं, 1 घंटे 2 घंटे बैठते हैं और चले जाते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट, वो उनको एडमिट नहीं करते और ना ही उनकी प्रॉपर केयर करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स बेस्ड ऑन सर्विसेज, ये है फर्स्ट क्लासिफिकेशन हॉस्पिटल्स की, किस बेस पे, सर्विसेज के बेस पे, क्या सर्विसेज देते हैं टू देयर पेशेंट्स। पहला है हमारे पास हॉस्पिटल है जनरल हॉस्पिटल, तो इसके नाम से ही जनरल हॉस्पिटल मींस इसके अंदर हर एक डिपार्टमेंट होगा, जैसे ENT डिपार्टमेंट है, ऑर्थोपेडिक है, गायनेकोलॉजी है, सर्जरी डिपार्टमेंट है, डर्माटोलॉजी है, न्यूरोलॉजी यूरोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है, तो जनरल में हर डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। द बेस्ट नॉन टाइप ऑफ हॉस्पिटल इज़ द जनरल हॉस्पिटल, जो सबसे अच्छा जो है टाइप है हॉस्पिटल की उसे हम कहते हैं जनरल हॉस्पिटल, विच इज़ सेट अप टू डील विद मैनी काइंड ऑफ डिजीज एंड इंजरी, जो किसके साथ डील करता है, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों और इंजरी के साथ। नॉर्मली हैज़ एन एमरजेंसी डिपार्टमेंट भी होता है इसमें, टू डील विद इमीडिएट एंड अर्जेंट थ्रेट्स टू हेल्थ, अर्जेंट थ्रेट्स टू हेल्थ की हमारी सेहत को अगर बहुत ज़्यादा एमरजेंसी में मीन्स बहुत ज़्यादा थ्रेट है कि जान का ख़तरा है कि मीन्स ये ख़त्म भी हो सकती है, या फिर बस कोई कार एक्सीडेंट हो गया इतना सवेयर, कोई ट्रॉमा में है, कोई बर्न हो गया है, तो उसके लिए हम लोग जो है एमरजेंसी डिपार्टमेंट भी होता है जनरल हॉस्पिटल में। लार्जेस्ट सिटीज़ में हैव सेवरल हॉस्पिटल्स ऑफ वेरिंग साइज एंड फैसिलिटीज़, बहुत बड़ी सिटीज़ में, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में,
जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं उनके अंदर सेवरल हॉस्पिटल्स होते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि साइज़ में भी वेरी करते हैं और फैसिलिटीज़ में भी, और उनके बेड जो हैं उनकी कैपेसिटी पे जो है डिपेंड करते हैं कि कितनी वो पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स जनरल में तो हर चीज़ आ जाती है, और स्पेशलाइज में एक ख़ास जो हॉस्पिटल आ जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स इंक्लूड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। अब चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में जो है उसमें तो नहीं ना जाएगा कार्डियो वाला पेशेंट जिसको हार्ट का मर्ज़ है, या ईयर नोज थ्रोट वाला तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जाएगा। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में वही जाएंगे जो चिल्ड्रंस का हॉस्पिटल है, और उसमें सिर्फ बच्चे ही जाएंगे और उनका ही इलाज होगा। साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में सिर्फ जो है जिनका जो दिमागी तवाज़ुन नहीं ठीक उनका साइकियाट्रिक पेशेंट्स हैं वही जाएंगे, और कार्डिक हॉस्पिटल में जिनको दिल के अमराज में मुब्तला हैं वही जाएंगे। कैंसर हॉस्पिटल में वो लोग जाएंगे जो कि सिर्फ कैंसर में के मर्ज़ के मुब्तला हैं। सर्जिकल हॉस्पिटल में वही जाएंगे जिनकी सर्जरीज होनी है। ट्रॉमा सेंटर्स में वही जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा सवेर हैं, एमरजेंसी कंडीशन है उनकी, बर्न हो चुके हैं। रिहेबिलेशन हॉस्पिटल्स में जो है न्यूरोलॉजिकल मस्कोस्केलेटन ऑर्थोपेडिक की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, हमने स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल इसलिए कहा है कि एक ख़ास जो है एक ख़ास डिजीज़ के लिए, एक ख़ास चीज़ के लिए हमने बना दिया है। तो ये जनरल हॉस्पिटल से मुख्तलिफ है, हमने इसको एक ख़ास बना दिया। मीन्स कि अगर हमारे पास हार्ट पेशेंट है तो वो कार्डिक हॉस्पिटल में जाएगा, अगर हमारे पास साइकियाट्रिक पेशेंट है तो वो साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में जाएगा, हमारे पास अगर चिल्ड्रन में कोई बीमारी है कुछ मसला है तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ही जाएंगे। नेक्स्ट है अ हॉस्पिटल में बी अ सिंगल बिल्डिंग, या तो एक सिंगल बिल्डिंग का बना होगा या नंबर ऑफ बिल्डिंग्स कंपाइल हुई होंगी एक कैंपस के अंदर, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर भी हो सकते हैं उसके। मोस्ट हॉस्पिटल्स आर रन ऑन अ नॉन प्रॉफिट बेसिस बाय गवर्नमेंट और चैरिटीज। नॉन प्रॉफिट बेसिस पे ये रन करते हैं बाय गवर्नमेंट और चैरिटीज की बेस पे। नेक्स्ट सेकंड थर्ड जो इसका बेस्ड ऑन सर्विसेज पे क्लासिफिकेशन हॉस्पिटल किसमें है, टीचिंग हॉस्पिटल। टीचिंग हॉस्पिटल प्रोवाइड्स क्लिनिकल इंस्ट्रक्शंस टू मेडिकल स्टूडेंट्स एंड नर्सेज। टीचिंग हॉस्पिटल का काम है वो क्लिनिकल इंस्ट्रक्शंस देती है मेडिकल स्टूडेंट्स को और नर्सेज को, मीन्स उनको वहाँ पर टीच भी किया जाता है साथ साथ, और साथ साथ उनकी ड्यूटीज़ भी बताई जाती हैं परफॉर्म कर कैसे करनी है, ठीक है। एंड ऑफन इज़ लिंक्ड टू अ मेडिकल स्कूल, और बाज़ अवकात जो है टीचिंग हॉस्पिटल लिंक हुआ होता है एक मेडिकल स्कूल के साथ, नर्सिंग स्कूल के साथ, या किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ। तो टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर जो है उसमें सिखाया जाता है डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स को, जो है नर्सेज हैं उनको, कि किस तरह से आप जो है यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरह से आप यहाँ पर हाउस जॉब कर सकते हैं। साथ साथ में टीच किया जाता है, साथ साथ में प्रैक्टिस करवाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है टिपिकली इज़ द मेजर हेल्थ केयर फैसिलिटी इन इट्स रीजन। अपने एरिया में जो है विद लार्ज नंबर्स ऑफ बेड फॉर इंटेंसिव केयर एंड लॉन्ग टर्म केयर, ठीक है। ये अपने रीजन का हर एक सिटी में एक हॉस्पिटल होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपने ज़िले का, ठीक है। विद लार्ज नंबर ऑफ बेड, जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ बेड होते हैं फॉर इंटेंसिव केयर। इंटेंसिव केयर को हम CCU भी कहते हैं, क्रिटिकल केयर यूनिट भी कहते हैं, या इंटेंसिव थेरेपी यूनिट भी कहते हैं, एंड लॉन्ग टर्म केयर, ठीक है। इंटेंसिव केयर यूनिट क्या होता है, क्रिटिकल केयर यूनिट क्या होता है, कि इसमें जो है पेशेंट आफ्टर सर्जरी, ठीक है, हम उसको इंटेंसिव केयर यूनिट में ले आते हैं ताकि वहाँ पर वो नर्सेज की, डॉक्टर के प्रेजेंस में अच्छे से केयर की जाए उसकी। मीन्स हम उसको डिस्चार्ज नहीं करते थे जल्दी, 2 to 3 days के बाद हम उसकी देखकर कंडीशन, उसको ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए, विदाउट ऑक्सीजन वो सर्वाइव कर रहा है, चल फिर कर, उसे सांस तो नहीं फूल रहा, वो ओके है, जब वो बिल्कुल ओके हो जाए 2 या 3 दिन बाद उनको हम इंटेंसिव केयर यूनिट में रखकर डिस्चार्ज कर देते हैं। क्लिनिक्स, द मेडिकल फैसिलिटी इज स्मॉलर देन अ हॉस्पिटल इज जनरली कॉल्ड अ क्लिनिक। एक मेडिकल फैसिलिटी है जो कि हॉस्पिटल से छोटी होती है तो हम उसे क्या कह देते हैं, वो क्लिनिक है। एंड ऑफन रन बाय अ प्राइवेट पार्टनरशिप ऑफ फिजिशियंस, तो ये प्राइवेट पार्टनरशिप होती है फिजिशियंस की, डॉक्टर्स की, वो खुद ही अपना क्लिनिक खोलते हैं और उसी को रन करते हैं। क्लिनिक्स जनरली प्रोवाइड ओनली आउट पेशेंट सर्विसेज, तो हमने पढ़ा था हॉस्पिटल में क्या होता है कि वो प्रोवाइड करते हैं इन पेशेंट सर्विसेज। इन पेशेंट सर्विसेज की उसको पेशेंट को ओवरनाइट के लिए, या फिर डेज, वीक्स, 1 ईयर, 2 ईयर,
के लिए वो उसको एडमिट करते हैं। लेकिन क्लिनिक में क्या होता है, आउट पेशेंट्स जो हैं वो आते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, मेडिसिन देते हैं और चले जाते हैं, हम उनको एडमिट नहीं करते। तो क्लिनिक जो है, जो हॉस्पिटल से छोटी फैसिलिटी होगी मेडिकल की, उसको हम कहते हैं वो एक क्लिनिक है। और ये प्राइवेट पार्टनरशिप की बेस पे रन करता है। और क्लिनिक जो है जनरली प्रोवाइड ओनली आउट पेशेंट सर्विसेज। पहले तो हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स बेस्ड ऑन सर्विसेज की बेस पे, किस कौन कौन से सर्विसेज की बेस पे थे। जनरल हॉस्पिटल था, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल था, टीचिंग हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स। अब है बेस्ड ऑन ओनरशिप एंड कंट्रोल, मीन्स उसका मालिक कौन है, उसे कंट्रोल कौन करता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आ जाते हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल्स, फेडरल गवर्नमेंटल हॉस्पिटल्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंटल हॉस्पिटल्स हैं। तो ये नॉन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। और फिर आ जाता है प्राइवेट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल, प्राइवेट फॉर नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, ठीक है। एक तो होता है प्राइवेट जो कि प्रॉफिट हॉस्पिटल्स होते हैं, और एक होते हैं प्राइवेट फॉर नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल्स, जिसमें कौन कौन से हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। एक तो चैरिटी हॉस्पिटल है, दूसरा ट्रस्ट हॉस्पिटल है। तो ये होते हैं प्राइवेट फॉर नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल्स। थैंक यू, जजाकल्ला खैर।